नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय व जनपद सदस्य अरुण यदुवंशी ने पराफिया सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इन लोगों ने बताया अस्पताल के हाल खराब हैं और यहां बीएमओ की मनमानी चल रही है। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। परासिया का शासकीय अस्पताल नर्सों के भरोसे चल रहा है और यहाँ के मरीज भगवान भरोसे हैं। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछने पर कोई नहीं बता पाया कि किस डॉक्टर की ड्यूटी कब है और इमरजेंसी में किसकी ड्यूटी है। इन सारी अव्यवस्थाओं को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने जिम्मेदारों से निवेदन किया कि ऐसे डॉक्टरों व बीएमओ को हटाया जाए और अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए। आज परासिया हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया जिसमें गंभीर अनियमितता पाई गई। ना यहाँ के बीएमओ मौजूद हैं, ना ही कोई ड्यूटी डॉक्टर मौजूद हैं। जो ग्रामीण जन इलाज कराने आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। जैसा कि पूर्व में भी बीएमओ के द्वारा नर्सों से लेडी डॉक्टरों से अश्लील हरकतें की गई हैं, अभी भी एक दो दिन पूर्व ही एक और महिला डॉक्टर ने उनकी अश्लीलता की शिकायत की है। मैं समस्त जिम्मेदार अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि एक जिम्मेदार पोस्ट में रहने के बाद कोई अधिकारी इस टाइप की गंदी हरकत करे यह अशोभनीय है। और जो उनकी जवाबदारियां हैं वो उनका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वह अपनी निजी प्रॉपर्टी के जैसे अस्पताल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को, गरीबों को हॉस्पिटल का जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मैं जवाबदार अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें और आम जनता को यहां व्यवस्थित इलाज मिल सके। वहीं जनपद सदस्य अरुण यदुवंशी ने हॉस्पिटल के बीएमओ पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीएमओ ने अपना एक आदमी रखा हुआ है जिसका अस्पताल प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो बीएमओ के खिलाफ शिकायत करने वाले लोगों को डराता और धमकाता है और अवैध वसूली करता है। अपना एक व्यक्तिगत आदमी रखा हुआ है जिसका अस्पताल प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम है इदरीस। उसकी भी बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही, वो लोगों को डराता धमकाता, शिकायतें वापस कराता है बीएमओ के खिलाफ और अवैध वसूली करता है। और मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि डॉक्टर वाचक ने अपनी बहन के कुछ रिश्तेदार पुत्र पुत्रियों को यहाँ पे नौकरी में बिना उसके रखा हुआ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।